नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर मेरा लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया है, कौन सा चार्जर ले, कंफर्टेबल चार्जर ले कि ओरिजिनल चार्जर ले। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में जानकार रहने के लिए। चलिए बताते हैं आपको मैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास भी लैपटॉप है, ये ठीक है पुराना लैपटॉप है, बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर जो चार्जर लगता है, मैं पहले चार्जर दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरे लैपटॉप का चार्जर, इसमें दो सेक्शन दिया होता है। देखिए एक सेक्शन यहाँ से निकाल लेते हैं, ये निकल गया है कि एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं पहले है। देखिए इसको जो कहते हैं पावर केबल, जिसमें एसी करंट आता है, ये हमारे मेन बोर्ड में लगता है। उसके बाद जो है यहाँ से केबल है, ये 3 पिन का, ये जो है हमारे लैपटॉप का जो एडाप्टर होता है उसके अंदर यहाँ लग जाता है। ये लग गया यहाँ पर मेन बोर्ड में लग गया, और उसके बाद यहाँ पर जाकर के हम अपने लैपटॉप में लगा देते हैं, फिर लैपटॉप यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर समझ चुके हैं आप, है ना। अब समझते हैं बात यह है कि आपको कंफर्टेबल चार्जर लेना चाहिए कि आपको जो है ओरिजिनल चार्जर लेना चाहिए। देखिए जब लैपटॉप यूज करते हैं, कभी प्रॉब्लम ये आता है कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है, तो आप इस प्लग से निकाल के उस प्लग में लगाते हैं, वहां से निकाल के यहाँ लगाते हैं, फिर भी ऑन नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि आप दुकानदार के पास लेके जाएंगे, दुकानदार आपसे मन मुताबिक पैसा ले लेगा और आपको कहेगा कि मदरबोर्ड खराब उसका हो गया है, इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम हो चुका है, पैसा आपका ज्यादा लग जाएगा। सिंपल तरीके से क्या करिए, आप जो है आपका जो लैपटॉप का ये अडैप्टर है ना, तो पहले इस केबल को चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर मिलता है मार्केट में 100-150 रुपए का डिजिटल मल्टीमीटर, लाके इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। एक तार यहाँ लगा करके, यहाँ मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ मल्टीमीटर के बारे में, तो जाके देखना होगा, देख लीजिए कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो इसको आप चेक कर लीजिए तार, अगर इसमें करंट आ रहा है मतलब ये कनेक्टिविटी बता रही है तार, तो ठीक है, वरना मार्केट में तार जो है 50 से लेकर 100 रुपए बीच में मिल जाता तार, और जाके लाके इसको भी चेंज कर चेक कर सकते। ये हो गया तार, ठीक है। फिर ये जो चार्जर होता है ना, चार्जर चेक करने के लिए इसका काम होता है एसी, वहां से करंट आता है, डीसी देता है लैपटॉप को, लैपटॉप डायरेक्ट एसी करंट जाता है, तो यहाँ जाएगा एसी जाता है। इसके बाद यहाँ से एडाप्टर लगा अंदर, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और फिर डायोड लगे हुए हैं सब। इसके बाद जो यहाँ से आपको निकलता है डीसी, किसी लैपटॉप को जो 19.5 वोल्ट चाहिए होता है, किसी को 18.5 वोल्ट चाहिए होता है, अलग अलग है, यहाँ पूरा डिटेल दिया रहता है, अगर पढ़ना चाहेंगे चार्जर पढ़ सकते हैं, ये लगाकर आप लैपटॉप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब बात आती है जब लैपटॉप को ऑन नहीं होता है, इन दोनों चीजों को चेक कर ली, तब दुकानदार के पास ले जाइए। अगर उसके पहले ले जाएंगे तो हो सके आप जो है ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए आपको लैपटॉप बनवाने के लिए, ये क्लियर हो चुका है। अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी चेंज नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे ना, आप जाकर के मार्केट से खुद चार्जर खरीद सकते हैं, या तो ऑनलाइन जाकर अपने लैपटॉप का मॉडल डाल करके ऑनलाइन जाके अमेजन से फ्लिपकार्ट से चार्जर मंगवा सकते हैं, सिंपल तरीके से चार्जर मिल जाता है। देखिए आज के डेट में डेल कंपनी का ओरिजिनल चार्जर आप जाएंगे ऑनलाइन चेक करेंगे और आप जाके दुकानदार चेक करेंगे, दोनों अंतर मिलेगा। ऑनलाइन आपको जो है डेल का 65 वाट का और 90 वाट का चार्जर मोटा मोटी जो है 1000 रुपए का मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर वही चार्जर जो आपको मिलेगा 1200, 1300, 1400 जैसा पैसा चाहे वो व्यक्ति जो कंप्यूटर का रिपेयर करता है वो आपसे ले सकता है सरचार्ज के नाम पे, जिस तरीके से ये चीज हो चुकी है। तो मैं कहूंगा जब भी आपका लैपटॉप अगर डेल का है, आपका लैपटॉप अगर एचपी का है, तो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा जो है आप जो है ओरिजिनल चार्जर लीजिए, आप कंफर्टेबल चार्जर मत लीजिए इन दो ब्रांडेड कंपनी के साथ में, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि डेल के साथ में और एचपी के साथ में जो हम चार्जर लगाते हैं कंफर्टेबल वाला, मान लीजिए ऐसा कोई भी चार्जर लगाते हैं कंफर्टेबल लगाते हैं, उसमें क्या वो परफॉर्मेंस मिल ले पाता है, और उसके बाद जो है कभी कभी माउस कभी काम करेगा कभी नहीं काम करेगा, कभी यूएसबी पोर्ट जो है सपोर्ट करे नहीं सपोर्ट करे, इसलिए डेल के साथ में और एचपी के साथ में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप ओरिजिनल चार्ज लीजिए। और रही बात और कंपनियां जैसे कि लेनोवो हो गया, एसर हो गया, आसूस हो गया, इन कंपनियों के साथ में मैंने चेक किया हुआ है कि जो कंफर्टेबल चार्जर आते हैं वो लगाकर आप काम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक कंपनी का चार्जर है, ये कोई पेड नहीं है, मेरा बनने के लिए आया हुआ था, मतलब चेंज करना था, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एंटर कंपनी का, ठीक है। जो डेल का ओरिजिनल चार्जर आप लेंगे मार्केट से तो आपको मिलेगा 1300 रुपए का, वैसे लेनोवो का चार्जर ओरिजिनल लेंगे, अगर आप एसर का लेंगे तो आपको मिलेगा 1200-1300 रुपए का, लेकिन कंफर्टेबल चार्जर मास 500-600 रुपए का आपको जो ये चार्जर मिलेगा, और उसको लेकर के अपने लैपटॉप को आप ऑन कर सकते हैं। बहुत महंगा नहीं है, इसकी वारंटी भी लगभग 1 साल की होती है, मतलब यही कंपनी ने ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर कंफर्टेबल चार्जर आते हैं उसको लेकर के अपने लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं, समझ चुके। तो ओरिजिनल चार्जर में फायदा ये होता है कि आपको 1 साल वारंटी मिलती है और वो टेस्टेड होता है कंपनी के द्वारा, जैसे एचपी हो गया, डेल हो गया, इनके साथ में टेस्टेड है, वो तो लेंगे काम करेगा। देखिए सब कंपनी के साथ में जो है ओरिजिनल लेना चाहिए, लेकिन आपका पैसा बजट नहीं बनता है तो आप कंफर्टेबल काम चला सकते हैं, क्लियर हो चुका है। अब देखिए चार्जर का डब्बा है ये, और इसमें दिखाता हूँ, लोग बहुत कंफ्यूजन ये होता है कि इसके साथ दो तार आता है, नहीं दोनों तार नहीं आता, इसके साथ हमेशा जो है मात्र एक तार ही आता है। देखिए ये चार्जर जो है ना डब्बे के साथ में चार्जर से आता है, जो पावर केबल होता है इसको अलग से खरीदना पड़ता है आपको, समझिएगा। ये 30 रुपए से शुरू होकर के 100-150 रुपए तक आता है, क्योंकि क्वालिटी को डिपेंड करता है कौन सा तार है, तो ये अलग से मिलता है। किसी भी चार्जर साथ में जो है ये केबल नहीं आता, आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो देखिए ये
चार्जर है उसको लेकर के अपने लैपटॉप को आप चला सकते हैं। दुकानदार के पास लेके जाने से पहले अपने लैपटॉप को चेक कर लीजिए, मतलब इस्तेमाल कर लीजिए, चार्जर लाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना जाएंगे दुकानदार पास, दुकानदार कहेगा इसमें ये प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम, आपको पैसा रखा जाए। तो देखिए ऐसी चीजें मैं खोज के लाता रहता हूं वीडियो की, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप के लिए क्या फायदेमंद। दोस्तों तो लैपटॉप यूज करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मालूम हो चुका है लैपटॉप में दो तरह चार्जर अवेलेबल मार्केट के अंदर, एक ओरिजिनल चार्जर और एक आता है कंपैटिबल चार्जर, उसको लेकर भी आप अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आपको आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमें बताइए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, और वीडियो को शेयर करिए। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर होते हैं, वो जानना चाहते हैं इस तरह की चीजें, तो कहीं ना कहीं उनको इनसे फायदा होगा। दोस्तों और चैनल पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर जाइए। दोस्तों जय हिंद, जब आप फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।